जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि शनिवार को दीवानी न्यायालय के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला जज द्वारा 11 वादों का निस्तारण किया गया तथा विभिन्न प्रकार के वादों के साथ ही सभी विभागों से संबंधित वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया तथा उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत बाह्य न्यायालय बासगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा, गोला सहित तहसीलों के मुख्य न्यायालय में आयोजन किया गया, जिसमें बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल वाद, ई चलानी सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,83,665 मामले आए, जिसमें 1,50,089 मामलों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, कल्याण के लिए जगत का कल्याण। आइए भाई अध्यक्ष जी बोले। तो सर अरे आइए सर, अरे सौभाग्य की बात है ना मेरे लिए। चलो भाई क्या हुआ आ जाए। क्या है लाभान्वित हुआ? हम लोग की फोटो का ज्यादा लाभ नहीं है। चलो किसी से ले लो दादा, इन तो कहां जा रहा है, गोरखपुर है ना। मैं देवेंद्र कुमार द्वितीय, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे यहाँ लगभग 2,25,000 वादों को चिन्हांकित किया गया और अभी अधिकाधिक वादों का निस्तारण किया जा रहा है, जिनमें कि अभी हमारे पास 1,00,000 प्लस में फिगर आ चुकी है। अभी आना शेष है कुछ क्षेत्रों, कुछ कोर्टों से, न्यायालयों से, और जिनमें जहां हमारे यहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है वो हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में आज दिनांक 11/12/2021 को द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। साथ ही साथ गोरखपुर जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बांस गांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में विशिष्ट आपराधिक समनीय वाद धारा 138, पराक्रम वाद और लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल वाद, सर्विस वाद जिनमें किराया, सुखाधार, सुखाधिकार व्याज, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष व्याज एवं अन्य मामले के साथ ही ई चालानी व ट्रैफिक चालानों का अधिक से अधिक निस्तारण किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन स्टेज जैसे बैंकों के मामलों का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया है।